हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी व्यूअर्स का एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्र एस्ट्रो में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर महेश जोशी आज आपको कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूं जो कि शायद आपको पता हो, आपने सुने हो या नहीं सुने हो, मगर आप उन्हें यूज करने में चूक जाते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल सटीक तरीके से आपको मालूम ना हो। और यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं और जब मैं उनसे इन कंसेप्ट को पूछता हूं तो वो या तो उन्हें आधे अधूरे पता होते हैं या मालूम होते हैं तो वो बेसिकली उन्हें जनरली यूज करना भूल जाते हैं। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स या तो राहु केतु में फंस जाते हैं या शनि में फंस जाते हैं, मगर ये एक कितने सटीक कंसेप्ट है जिसे हम यूज करेंगे तो हमारी एस्ट्रोलॉजी का लेबल डिफरेंट हो जाएगा और हमारे सारी जो भी प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल बदलने वाली है। नीच का कोई भी ग्रह हम देखते हैं कि ये नीच का ग्रह है तो हम एकदम से कंक्लूड कर लेते हैं कि ये खराब ही फल देगा, मगर उन्हें बहुत सटीक तरीके से हर एक ग्रह को एनालाइज करने की जरूरत होती है। तो मैं आज की क्लास में आपको ऐसे चार कंसेप्ट बताने वाला हूं जो आपको मालूम होंगे या बहुत लोगों को नहीं भी मालूम होंगे, मगर आप लगाते हैं या नहीं लगाते हैं अपने आप सोचें उसे कि आप कुंडलियों को एनालाइज करते टाइम आप इन चीजों को यूज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। यदि नहीं करते हैं तो आप इन्हें नोट कर लें और आज ही से इन्हें यूज करना शुरू करें, आपका बिल्कुल प्रेडिक्शन का लेवल डिफरेंट हो जाएगा और आप जो दशा और अंतर दशाओं के फल आपके जिनको भी लगता है कि वो सटीक नहीं होते वो काफी एक्यूरेट आना शुरू हो जाएंगे। मैं शुरू करता हूँ रूल वन, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एक्सचेंज का रूल सभी को पता है, हम ग्रहों का एक्सचेंज देखते हैं, ग्रहों के एक्सचेंज में हम ऐसा मानते हैं ये ज्यादातर लोग अप्लाई करते हैं देखते हैं मगर वो दशा के टाइम अप्लाई करना भूल जाते हैं, कह देते हैं इन दोनों के अंदर एक्सचेंज है। अब एक्सचेंज का मतलब क्या है, बेसिकली एक्सचेंज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव ये बताना बिल्कुल नहीं है कि सभी लोग इसको ऐसे नहीं यूज करते, पर जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैं कुंडली एनालिसिस देखता हूँ तो ज्यादातर लोग उस एनालिसिस में इस चीज को उतना ज्यादा फोकस नहीं करते और चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो देखते हैं एक्सचेंज को, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा एक एग्जाम्पल से। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं टू प्लैनेट्स ए एंड बी, कोई भी दो प्लैनेट्स हैं। तो एक्सचेंज का मतलब होता है प्लेनेट ए इज इन द साइन ऑफ बी एंड बी इज इन द साइन ऑफ ए, एक दूसरे की राशियों में दो ग्रह आ जाए तो उसको परिवर्तन या एक्सचेंज होते हैं। अब क्या होता है, किसी भी चीज का यदि आपको दशाओं के फल निकालने हैं तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ए को आप बी से रिप्लेस कर सकते हो और बी को ए से रिप्लेस कर सकते हो। मैं एग्जांपल बताऊंगा, जब दो ग्रहों में एक्सचेंज होता है तो वो अपनी दशा और अंतर दशाओं में एक दूसरे के फल देते हैं। अब एक दूसरे के फल देते हैं सभी को मालूम है, मगर उसे इस्तेमाल कैसे करना है, यूज कैसे करना है कुंडली के अंदर, वो मैं यहां पर बताऊंगा। अब यदि एग्जाम्पल चार्ट देखिए, इसमें आपको नजर आ रहा होगा एग्जाम्पल चार्ट में जुपिटर और मरकरी के बीच में एक्सचेंज है। ये थ्री साइन है आपका मरकरी का, इसके अंदर गुरु बैठा है और नाइन साइन गुरु का है, उसके अंदर मरकरी बैठा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया। ये वर्गो लग्न की कुंडली है, उसके अंदर आपका लग्न लॉर्ड है मरकरी और जुपिटर, दोनों के बीच में एक्सचेंज हो गया। जुपिटर दसवें भाव में और मरकरी चौथे भाव में है तो दोनों में यहाँ पर इंटरचेंज है, राशि परिवर्तन जिसे बोलते हैं वो हो रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो काम आप जुपिटर की दशा के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हो वो काम मरकरी की दशा में भी हो जाएगा, और जो काम मरकरी की दशा में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो जुपिटर की दशा में हो जाएगा। यहां पे मरकरी जुपिटर को रिप्लेस कर सकता है और जुपिटर मरकरी को रिप्लेस कर सकता है। इसको कंसेप्ट को मैंने बड़े गौर से सुना और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जो मुझे पढ़ाते थे उनसे सुना, मगर वो भी फिर मुझे आगे चल के पता चला कि ये कंसेप्ट तो बिल्कुल अलग है। उन्होंने बताया कि जब दो प्लेनेट में एक्सचेंज होता है, जैसे यहाँ पे जुपिटर और मरकरी में एक्सचेंज हो रहा है, तो जुपिटर की दशा में मरकरी के फल मिलेंगे, मरकरी की दशा में जुपिटर के फल मिलेंगे, और काफी लंबे समय तक मैं ऐसा ही सोचता रहा। मगर बाद में मैंने इसकी खोज की और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये कंसेप्ट पूरी तरीके से उन्होंने जो बताया था बिल्कुल सही नहीं था। सही ये है कि यदि दो ग्रहों के अंदर एक्सचेंज है तो वो एक दूसरे की दशाओं में भी फल देंगे, ऐसे मान के चले
कि जुपिटर की दशा में आपको मरकरी के फल मिलेंगे, मगर जुपिटर के भी मिलेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि मरकरी के ही मिलेंगे। इसी तरीके से मरकरी की दशा में यदि एक्सचेंज है तो जुपिटर के फल मिलेंगे और मरकरी के अपने भी फल मिलेंगे। तो जब भी दो ग्रह एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं तो वो अपने फल तो देते ही हैं, साथ में जिसके साथ उनका एक्सचेंज है उसके फल देते हैं। तो ये मैं एक नया कंसेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको मालूम है तो बहुत अच्छा है, नहीं मालूम है तो इसको आप आज के बाद यूज करना शुरू करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपका मैंने जो ये बताया ये आपकी कुंडलियों पर लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है। साथ में अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, मेरे जो भी वीडियोस होंगे बिल्कुल एक्सक्लूसिव होंगे आपकी जानकारी में, उससे कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। ऐसे ही कोई नहीं होंगे कि जो आपके किसी काम के ना हो, कि वीनस दूसरे भाव में आ गया तो ये हो गया, वीनस तीसरे भाव में आ गया तो वो हो गया, और उस तरीके के वीडियोज को सबको एडवाइस है मेरी उन्हें बिल्कुल मत देखें, वैसा कुछ होता ही नहीं है जो भी बताया जाता है। ज्योतिष के कुछ सटीक सूत्रज हैं जो बिल्कुल अलग हैं और उनके बारे में मैं बीच बीच में वीडियोज लेकर आता रहता हूँ, आप उन्हें देखते हैं बहुत पसंद करते हैं, आप देखते रहिए। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब मैं आता हूं दूसरा रूल, यह एस्पेक्ट एक्सचेंज। अभी हमने राशि परिवर्तन किया था, अभी हम दृष्टि परिवर्तन बोल रहे हैं। दृष्टि परिवर्तन क्या है? वंस अगेन लेट अस टेक टू प्लैनेट्स, ए और बी दोनों ले लिए, इफ ए एस्पेक्ट बी एंड बी एस्पेक्ट ए, जिसको हम बोलते हैं दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। एक तो होता है एक प्लेनेट दूसरे को देख रहा है मगर दूसरा एक को नहीं देख रहा। अब वो किसी भी राशि में चले गए मगर वो एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं। ये रिलेशन है, रिलेशन में आपने पढ़ा होगा, एक्सचेंज इज ए रिलेशन, म्यूचुअल एस्पेक्ट इज ए रिलेशन, कंजंक्शन इज ए रिलेशन, क्षेत्र दृष्टि संबंध, इस चार तरीके के दृष्टि संबंध होते हैं। तो ये सब आपको मालूम होंगे मगर मेरा यहाँ पर पर्पज है उसको एलोबरेट करना, उसके बारे में उसका इनर कंसेप्ट आपको समझाना कि दो ग्रह के बीच में ये म्यूचुअल एस्पेक्ट है, ए बी को देख रहा है और बी ए को देख रहा है। या फिर क्या है यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, इफ ए एस्पेक्ट बी साइन एंड बी एस्पेक्ट ए साइन, यहाँ पर साइन की बात होगी। एक म्यूचुअल एस्पेक्ट होता है कि ग्रह ए बी को देख रहा है और बी ए को देख रहा है। अब यहाँ पर क्या है ये देखिए बदल गया बिल्कुल, एस्पेक्ट एक्सचेंज क्या है, ए एक प्लेनेट दूसरे के साइन को एस्पेक्ट कर रहा है और दूसरा प्लेनेट पहले के साइन को एस्पेक्ट कर रहा है। जैसे यहां पर ध्यान से समझे से, ये मरकरी है बुध, ये फोर साइन को एस्पेक्ट कर रहा है चंद्रमा की राशि कर्क को, और चंद्रमा यहां पर नाइन साइन में बैठकर थ्री मिथुन राशि को देख रहा है, वो की मरकरी की राशि है। इसे एस्पेक्ट एक्सचेंज बोलते हैं, इसको रेयरली बहुत कम लोग यूज करते हैं, आप यूज करते हैं अच्छा है, पर मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूं कि बहुत कम लोग यूज करते हैं। जिनसे भी मैं कुंडली एनालिसिस करने के लिए बोलता हूँ इस चीज को वो भूल जाते हैं। इस चीज को आपको बहुत जरूर याद रखना है यदि आपको दशाओं के फल ठीक से निकालने हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको एक्सचेंज एस्पेक्ट एक्सचेंज बोल रहे हैं। एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे होते हैं, प्लैनेट ए बी को और बी ए को एस्पेक्ट कर रहा हो उसको म्यूचुअल एस्पेक्ट बोलते हैं। मगर यहाँ पे एस्पेक्ट एक्सचेंज है तो थोड़ा डिफरेंस है, इसको क्लियर कर लें कि आपका एक ग्रह दूसरे की राशि को देख रहा है और दूसरा ग्रह उसकी राशि को देख रहा है। तब तो यहाँ पर देखिए, इन दिस चार्ट द पर्सन हैज जेमिनी असेंडेंट एंड मून सिचुएटेड इन सेवंथ हाउस एंड मरकरी सिचुएटेड इन एट्थ हाउस, सातवें और आठवें भाव में चंद्रमा और बुध बैठे हुए हैं। देयरफॉर मून विल बी एस्पेक्टिंग मरकरी साइन, चंद्रमा मरकरी की राशि मिथुन राशि को देख रहा है और ऐसे ही मरकरी चंद्रमा की राशि कैंसर राशि को एस्पेक्ट कर रहा है। इन दिस केस टू एज इन द केस ऑफ एक्सचेंज, मरकरी कैन रिप्लेस मून एंड मून कैन रिप्लेस मरकरी, यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है, राशि परिवर्तन जैसा ही कंसेप्ट है। उम्मीद है यह कंसेप्ट आपको बिल्कुल नया मिला होगा कि मरकरी यदि चंद्रमा की राशि को देख रहा है, चंद्रमा मरकरी की राशि को देख रहा है तो मरकरी की दशा में आपको चंद्रमा के फल और चंद्रमा की दशा में आपको मरकरी के फल भी मिल सकते हैं। अपने फल तो देगा ही, इसको बिल्कुल मैं इंटरचेंज नहीं कर रहा हूँ कि मरकरी की दशा में केवल चंद्रमा के मिलेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऐसा बहुत लोग करते हैं। आप यहाँ पर दोनों एक दूसरे की दशाओं में फल देंगे, तब आप क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर मरकरी की दशा आई तो मरकरी के ही हाउसेज को मत देखिए, मरकरी के भाव को मत देखिए, अब चंद्रमा के हाउसेज और भाव के भी फल आपको उस समय पर मिल सकते हैं।
मरकरी चंद्रमा के फल दे सकता है, चंद्रमा मरकरी के फल दे सकता है। तो दोनों कंसेप्ट को मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला मैंने एक्सचेंज कंसेप्ट बताया था जिसमें राशि परिवर्तन था, एक ग्रह की राशि में दूसरा, दूसरे ग्रह की राशि में पहला प्लैनेट बैठा हुआ था, उसको हम एक्सचेंज बोलते हैं, राशि परिवर्तन बोलते हैं। और दूसरा मैंने यहाँ पर बताया था आपको दृष्टि परिवर्तन, एस्पेक्ट एक्सचेंज। इसमें एक ग्रह दूसरे की राशि को देख रहा है, दूसरा ग्रह पहले की राशि को देख रहा है, अभी भी वो एक दूसरे के रिजल्ट दे पाएंगे अपनी दशा और अंतर दशाओं में। थर्ड कंसेप्ट, ये भी अपने आप में शायद नया होगा, ए प्लैनेट इन अनदर प्लैनेट्स कॉन्स्टेलेशन। होता ही है ऐसा ज्यादातर कि मंगल सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य किसी और के नक्षत्र में है, गुरु मंगल के नक्षत्र में आ गया, मंगल किसी और के नक्षत्र में आ गया, तो एक प्लेनेट ज्यादातर ही दूसरे प्लेनेट के कॉन्स्टेलेशन में होता है मैक्सिमम केसेस में। यहाँ पे क्या होता है, सपोज मार्स इज इन द कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटर्न, अनुराधा नक्षत्र के अंदर आ गया मार्स। अब क्या होगा, मार्स कैन रिप्लेस सैटर्न बट सैटर्न कैन नॉट रिप्लेस मार्स। मतलब क्या हुआ, मार्स कैन डू एज मार्स एज वेल एज सैटर्न। जब मंगल शनि के नक्षत्र में आ गया तो अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देता है, ये केपी का कंसेप्ट है मगर वो यहाँ पे भी लगेगा। मंगल यदि शनि के नक्षत्र में है तो मंगल मंगल के रिजल्ट तो देगा ही, मंगल शनि के भी रिजल्ट दे सकता है। यहाँ पर जो भी एक प्लेनेट किसी दूसरे प्लेनेट के नक्षत्र में है तो वो अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट भी देगा। दिस द कंसेप्ट नंबर 3 जो कि केपी एस्ट्रोलॉजी का मेन कंसेप्ट है। केपी एस्ट्रोलॉजी इसी पर बेस्ड है कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देता है। यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही कंसेप्ट बता रहा हूँ इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी पाराशरी के अंदर, प्लेनेट इन अनदर प्लेनेट्स कॉन्स्टेलेशन और नक्षत्र। सपोज मार्स इज इन द कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटर्न, मार्स यदि शनि के नक्षत्र में है तो मार्स कैन रिप्लेस सैटर्न बट सैटर्न कैन नॉट रिप्लेस मार्स। मतलब आप एक कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह के नक्षत्र में चला गया तो अपने नक्षत्र स्वामी के रिजल्ट भी वो ग्रह दे सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। दैट इज ऑल्सो ए न्यू कंसेप्ट नंबर 3 एंड दिस द बेसिक कंसेप्ट और सारी केपी एस्ट्रोलॉजी इसी पर बेस्ड है, मगर इसको आप वैदिक और पाराशरी में भी यूज करेंगे तो बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। अब मैं लास्ट आज का कंसेप्ट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट 4, ए प्लेनेट इन अनदर प्लेनेट साइन, डिस्पोजिटर वर्ड जिसे बोलते हैं। जब भी कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह की राशि के अंदर हो तो यहां पर क्या होने वाला है, एक चार्ट नंबर 3 है, देखिए चार्ट दिया हुआ है एज गिवन बिलो, समवन एज कैंसर असेंडेंट, इसकी कर्क लग्न की कुंडली है, मार्स सिचुएटेड है 12वें भाव के अंदर, मार्स बैठा हुआ है मंगल और वो मरकरी बुध के भाव में है। तो मार्स का जो राशि स्वामी हो गया, राशि स्वामी बोलते हैं डिस्पोजिटर हो गया, वो मरकरी हो गया। तो मार्स यदि मरकरी की राशि में बैठा हुआ है तो मार्स कैन रिप्लेस मरकरी बट मरकरी कैन नॉट रिप्लेस मार्स। इसको भी हम अपोजिट यूज करते हैं, आपको मैं बता देता हूं। मार्स मरकरी की राशि के अंदर बैठा हुआ है तो मार्स मरकरी के रिजल्ट दे सकता है मगर मरकरी मार्स के रिजल्ट नहीं देगा। बहुत सारे लोग डिस्पोजिटर को देखकर रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हैं, किसके लिए डिस्पोजिटर की ऐसी पोजीशन है तो ये ऐसे रिजल्ट देगा। मैं यहां पर जो कंसेप्ट बता रहा हूं ये एंटायरली डिफरेंट है कि यहाँ पे मार्स यदि मरकरी की राशि के अंदर बैठा है तो मार्स मार्स की तरह भी एक्ट करेगा और मरकरी की तरह भी एक्ट करेगा, अपने डिस्पोजिटर की तरह एक्ट करेगा, अपने डिस्पोजिटर के रिजल्ट ये देगा। तो एट लास्ट मैं आपको ऑल 4 कंसेप्ट को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं ब्रीफ के अंदर, इन्हें आप यूज करें आज के बाद। यदि दो ग्रह एक्सचेंज में है तो वो दोनों एक दूसरे की दशा और अंतर दशाओं में खुद के भी और दूसरे के भी रिजल्ट दे सकते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट कंसेप्ट जो आज की क्लास में बताया था। सेकंड एस्पेक्ट एक्सचेंज, ये आपको बिल्कुल न्यू कंसेप्ट मिला होगा शायद। एक ग्रह यदि दूसरे की राशि को देख रहा है और वो दूसरा इस पहले वाले की राशि को देख रहा है तभी भी वो दोनों एक दूसरे की दशा और अंतर दशाओं में एक दूसरे के रिजल्ट दे पाएंगे, ये सेकंड था। थर्ड वन यहाँ पे कंसेप्ट है, यदि एक प्लेनेट किसी दूसरे के नक्षत्र में है तो वो अपने रिजल्ट तो देगा ही, अपने नक्षत्र स्वामी की तरह भी वो बिहेव करेगा, अपने नक्षत्र स्वामी के गुण भी उसके अंदर आ जाएंगे। चौथा है, यदि एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट्स के साइन में है जो कि ज्यादातर होता ही है तो अपने रिजल्ट तो देगा ही, साथ साथ वो अपने साइन लॉर्ड जिसे हम साइन लॉर्ड बोलते हैं डिस्पोजिटर के भी रिजल्ट वो देगा। उम्मीद है ये आपको बिल्कुल सटीक कंसेप्ट मिले होंगे, बहुत लोगों को नए कंसेप्ट मिले होंगे। जैसे भी मिले आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहिएगा।
उनसे पता चलता है आप कितना सीरियसली इन वीडियोस को देख रहे हैं। और आपको मालूम होगा मेरा प्रयास होता है कि नई से नई चीज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। आमतौर पर जो सामान्य तौर पर हर जगह अवेलेबल है वो चीजें उससे तो यूट्यूब भरा पड़ा है, मगर मेरी कोशिश है कि आपको मैं बिल्कुल सटीक और बिल्कुल एक्सक्लूसिव कुछ पॉइंट्स लेकर हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।